हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। चलो आज शुरू करते हैं पावर। ये पावर किसका होगा? तो रेजिस्टेंस का। ये दो तरह से मैंने बना दिया, एक दो रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़े हैं और दो पैरेलल में। तो जो सीरीज में जोड़ते हैं उसका पावर क्या निकलेगा और जो पैरेलल में जोड़ते हैं उसका पावर क्या निकलेगा, इन दोनों को आज हम लोग देखेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी जब हम सीरीज में जोड़ते हैं या जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसमें क्या है, ये पहले इसका हम डिफाइन कर लेते हैं। यहां दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आर वन और आर टू, और इसमें ये करंट आई करंट फॉलो हो रहा है। जब आई करंट इसमें फॉलो होगा तो ये सीरीज में दोनों जुड़ा हुआ है, तो आई करंट करंट की वैल्यू दोनों में क्या होगा, बराबर होगा। आप जानते हो कि जब दो सर्किट को सीरीज में लगाते हैं या कोई भी सर्किट को जब हम सीरीज में लगाते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, सभी में करंट सीरीज में जुड़े हुए जितने भी सर्किट होंगे, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, सब में करंट क्या होगा, बराबर होगा। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा इसका, तो आप कहोगे वी आर वन, इसका भी आर टू। तो कैसे इसको करेंगे, क्योंकि पता है इसमें कि ये टोटल करंट, ये करंट की वैल्यू जितना है उसी तरह से इसका भी वैल्यू है, उसी तरह से इसका वैल्यू है, यानी करंट सब में क्या होगा, बराबर है, क्योंकि यही करंट इससे होकर के फॉलो हो रही है। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, वोल्टेज क्या निकालेंगे, अब टोटल वोल्टेज बराबर, ये टोटल वोल्टेज यहां है जो भी हो, टोटल वोल्टेज बराबर क्या निकलेगा आपका, तो कहेंगे वी आर वन प्लस वी आर टू। ये क्यों लिखे, क्योंकि करंट तो बराबर होगा लेकिन वोल्टेज जरूरी नहीं है कि इसमें जितना वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज इसमें हो, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग होगा तो वोल्टेज भी अलग अलग होगा। करंट सबका इसमें जितना होगा उतना इसमें भी होगा, क्योंकि ये दोनों किसमें जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो आइए ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं क्या, कि अगर ये वोल्टेज है तो वोल्टेज को इस तरह से हम लिख सकते हैं, V बराबर I इंटू R लिख सकते हैं, कि ये ओम्स लॉ में V इक्वल I R होता है ना, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं V R आई आर, क्योंकि ये लिखना था आई आर प्लस आई आर टू। इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, आपको पता है ये आई और ये आई तीनों क्या है, बराबर है। तो यहां आई ये क्या आ गया आर, इसमें क्या करते हैं आई कॉमन ले लेते, क्योंकि आई क्या है, बराबर है दोनों में, आई क्या है, बराबर है। ये आई को इस आई को इधर ले आओ, तो आर बराबर क्या हो गया, आई इंटू आई आर वन प्लस आर टू, यानी टोटल रेजिस्टेंस बराबर हो गया आर वन प्लस आर टू। यानी हम कह सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस बराबर इस तरह से भी आप लिख सकते हो, आर वन प्लस आर टू प्लस डॉट डॉट प्लस आर एन तक। टोटल रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना हो तो इस तरह से निकाल सकते हो आप इस फॉर्मूला के तहत, क्योंकि करंट सब ये बराबर है, हमें क्या बराबर करना था इसमें, वोल्टेज। चलो ये तो हम जान गए कि टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस बराबर हो गया आर वन प्लस आर टू। आइए इसका पावर निकालते हैं, क्या करते हैं इसका पावर निकालते हैं। चलो ये रहने दो तब तक, आप इसका पावर निकालते हैं। तो पावर बराबर किया क्या होता है, वी इंटू आई, पावर बराबर क्या होता है वी इंटू आई, ये तो पता है कि पावर बराबर भी इंटू आई, या आई स्क्वायर आर, पावर बराबर भी इंटू आई या आई स्क्वायर आर। कैसे, क्योंकि भी इक्वल टू क्या है आई आर, है ना, भी इक्वल टू क्या है आई आर। तो यहां क्या किए हैं, तो इसी तरह से यहां जो है भी के स्थान पर आप क्या आई आर लिख सकते हो ना, तो भी के स्थान पर आप लिख दो आई आर इंटू आई इंटू आई, तो हो गया ना, हो गया ना आई स्क्वायर आर
तो ये क्या आ गया आपका पावर, ये क्या आ गया पावर। तो आई सब में इक्वल है, आई सब में बराबर है, तो पावर बराबर हम क्या लिखते हैं, पावर बराबर क्या लिखे आई, तो आई स्क्वायर, और आर तो टोटल आर, आर क्या है ये है आपका, तो आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं आर वन प्लस आर टू, ये आ गया आपका टोटल पावर। अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़े तो उसका टोटल पावर क्या हो जाएगा, तो आई स्क्वायर आर वन इंटू आर टू प्लस आर टू, इस तरह से आ जाएगा, ये आ गया आपका क्या टोटल पावर, टोटल पावर। अब हमें इस तरह से अगर आप इस पर एक, अगर सपोज कर लो कि आप इसमें 2 एम्पियर करंट फॉलो हो रहा, कितना फॉलो हो रहा है 2 एम्पियर, तो यहां भी क्या होगा, तो आप कहोगे इसमें भी 2 एम्पियर होगा, इसमें भी कितना होगा 2 एम्पियर होगा, क्योंकि करंट क्या है बराबर है। आप मान लो कि इसमें ये है आपका 100 ओम इसका रेजिस्टेंस R1 का, और इसका कितना है 50 ओम, कितना है रेजिस्टेंस 50 ओम, तो कितना हो जाएगा टोटल पावर, तो आप कहोगे 2, करंट कितना आपका 2, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या क्या है R1 कितना है तो 100, तो R1 आ गया आपका 100 प्लस R2 कितना है 50, तो 50 लिख दो, फिर ये कर लो इसका स्क्वायर किया कितना हो गया 4, ये दोनों जोड़ दो कितना हो गया 150, तो ये कितना हो गया, ये पावर आ गया इतना वाट, 600 वाट, ये आ गया आपका पावर, किसका सीरीज में, अगर सीरीज में करें तो ये आ गया आपका क्या पावर। ठीक है, आइए अब हम किसका निकालते हैं पैरेलल में, अगर पैरेलल में हो तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा और पावर कितना होगा, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो अभी आप देखेंगे। आइए तो अब देखते हैं पैरेलल में अगर दो रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो इसका पावर क्या होता है और टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखो, अब इसमें क्या होगा, मान के चलो इसमें V वोल्ट है, कितना है V, वोल्टेज क्या है V, तो इसमें भी वोल्टेज बराबर होगा, इसमें भी वोल्टेज बराबर होगा, यानी इस वोल्टेज के बराबर में ये वोल्टेज भी होगा और ये वोल्टेज, यानी तीनों के वोल्टेज क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है, जब पैरेलल में जुड़ा होता है तो वोल्टेज क्या होता है सेम, टोटल वोल्टेज जो होता है यानी इक्वल वोल्टेज जो होता है ये वोल्टेज के सब क्या होता है बराबर में होता है, जब वोल्टेज बराबर होता है तो इसमें हम क्या निकालेंगे करंट, क्या निकालेंगे करंट से हम बराबर करेंगे, तो आपको पता है ओम्स लॉ भी वेल आई आर है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई भी वेल आर, लिख सकते हैं ना नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो और टोटल किस चीज को हम बराबर करेंगे टोटल करंट को, तो इसमें करंट क्या हो जाएगा, इसमें करंट ये मान लो तो यहां भी वह यहां लिख देते हैं भी वह आर टू, ये आ जाएगा इसका क्या करंट, ये वन है तो इसको वन कर देते हैं, तो करंट क्या आ जाएगा टोटल करंट में, तो यहां आई है तो आई वन प्लस आई टू, ये आई वन कौन सा है इसका करंट है, ये आई टू किसका करंट है इसका, इसमें आई टू करंट है, इसमें आई वन करंट है, तो आई 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 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे वी वन आर, तो लिखो आप वी वन आर, इसमें इसके स्थान पर क्या लिखेंगे वी वन आर वन, और इसके स्थान पर वी वन आर टू, क्योंकि ये क्या है ये I1 करंट है, ये I1 करंट, करंट को हम V / R लिख सकते हैं ना, तो इसलिए हम इसको इस तरह से लिख दिए। अब आओ तो हम देखते हैं इसमें, क्योंकि ये वोल्टेज और ये वोल्टेज की तीनों क्या है समान है, क्यों समान है क्योंकि ये पैरेलल में जुड़ा है, तो पैरेलल में क्या होता है वोल्टेज समान होता है, करंट अलग अलग होता है, सीरीज में क्या समान होता है करंट समान होता है और वोल्टेज अलग अलग होता है, तो इसमें लिखे आर भी क्या करते हैं यहां कॉमन ले लेते हैं भी कॉमन, तो यह क्या हो गया आर वन आर टू आ गया ना, भी यहां से कॉमन लेके यहां निकाल लिए, तो भी से भी कैंसिल हो गया, तो वन बाय आर बराबर क्या हो गया, वन बाय आर बराबर हो गया आर वन प्लस आर टू, यानी
टोटल रेजिस्टेंस अगर निकाले तो ये हो गया। आइए इसको और सॉल्व कर लेते हैं इस तरह से। तो R बराबर क्या हो गया, 1 बाय R बराबर हो गया, इन दोनों का आप एलसीएम ले लो तो क्या हो गया R1 R2, यहां हो गया R2 प्लस R1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो R बराबर आपको हो गया आ गया ये ऊपर चला जाएगा आपका, तो ये आ गया R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ये आ गया आपका टोटल रेजिस्टेंस, ये आ गया आपका टोटल रेजिस्टेंस आ गया किसमें, पैरेलल में। यानी हम कह सकते हैं कि पैरेलल में जब लगाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, जो मिनिमम रेजिस्टेंस इसमें जुड़ा हुआ है उससे भी कम होता है। यानी इस सर्किट में, पैरेलल सर्किट में जुड़ा हुआ सबसे मिनिमम वैल्यू का जो सर्किट होगा उससे भी कम होगा टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आइए इसका पावर देखते हैं कि क्या होता है। चलो साफ करें इसको, लिख लिए होंगे आप लोग, साफ करते हैं इसको। तो आइए इसका पावर देख लेते हैं कि पावर क्या होता है। तो पावर बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे पावर बराबर होता है वी बाय आई, या अभी अभी लिखे थे आई स्क्वायर आर। क्या लिखे थे, आई स्क्वायर आर। तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, वी बाय आई। तो ये क्या है आपका आर, आई तो है नहीं, ये क्या है आर, आर है। तो अब हम इसको निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, आई के, आई के स्थान पर आप ये लिख सकते हो ना, आई के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, वी बाय आर। आइए इसको थोड़ा सा हम सोल्व करके आपको दिखाते हैं यहीं से, फिर आप उस पर लिखना। ये है, तो आई के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं ना वी बाय आर, नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना आई वी बाय आर। तो ये जो आई है, ये जो आई है, ये जो आई है आपका, इस आई के जगह पर भी वी बाय आर लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं, आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं। तो यहां क्या आ गया, तो यहां आ गया वी स्क्वायर बाय आर, नहीं आया वी स्क्वायर बाय आर, आ गया ना। तो इस तरह से, इस तरह से हम देखें तो यहां लिख सकते हैं टोटल, अगर टोटल अगर ये इसका बात करें तो ये आ गया आपका वी स्क्वायर, ये आई स्क्वायर था, तो क्यों यहां आई स्क्वायर था, तो वी स्क्वायर, चलो ठीक है। तो चलिए, तो ये भी लिख सकते हैं, फिर आगे चलते हैं, अब इस पे आते हैं, इस पे देखो कैसे लिखते हैं, क्योंकि यहां दो पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो ये लिख लिए होंगे, साफ करें इसको। चलो आगे बढ़ते हैं इससे, अब आइए इस पे, तो इसको साफ कर देते हैं। तो ये आ गया, अब यहां टोटल पावर अगर लिखे तो टोटल पावर बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो आई स्क्वायर आर वन एक का, फिर दूसरा का क्या हो जाएगा प्लस आई स्क्वायर आर टू। तो आई स्क्वायर आर वन और आई स्क्वायर आर टू, तो इसको अभी क्या लिखे थे, तो इसको आप लिखे थे वी बाय आर। जब ऊपर स्क्वायर है तो नीचे भी ये टोटल है, यानी आई बराबर क्या होता है वी बाय आर होता है ना, आई बराबर वी बाय आर होता है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब यहां स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो जब यहां स्क्वायर करेंगे तो इसको तो इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और एक आर यहां है, ये आर है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक सिंगल आर बच जाएगा, क्योंकि स्क्वायर क्या हो जाएगा एक आर। देखो आप इसको मैं फ्रेश से लिख देता हूं ऊपर, आपको दिक्कत ना हो, ये है आपका पी। तो क्या है, तो आई अभी ये भी निकाल लेते, आई बी बाय आर निकाल लेते ना, जब यहां स्क्वायर लगाएंगे तो इसका टोटल स्क्वायर होगा, जब ये टोटल स्क्वायर होगा ये वी स्क्वायर आर स्क्वायर होगा, होगा ना। और इसके साइड में ये आर, तो ये आर अगर यहां लगाएं आर, तो यहां स्क्वायर है तो इसको आर इंटू आर लिख देते हैं, तो एक आर से एक आर कैंसिल होगा, तो अब क्या बच गया वी स्क्वायर बाय आर। इसी तरह से इसमें भी क्या आ जाएगा, इसमें भी क्या आ जाएगा वी स्क्वायर बाय आर, ये आ गया आपका आर वन, ये आ गया आपका आर टू। वी स्क्वायर, वी स्क्वायर, तो क्या करते हैं वी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं।